जिंदगी में जो भी कुछ घटता है, जो भी कुछ होता है, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। और एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हम
जो भी कुछ करते हैं, अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बस स्टैंड पे लेट पहुंचे तो बस चली गई, ये कारण है। तो हर चीज़ में, ये तो एक आम बात है, मगर जिंदगी की हर चीज़ में कोई सुखी है, कोई दुखी है, किसी को तकलीफ है, किसी को हद से ज़्यादा सुख है, ये क्यों होता है, उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होता है। उसी के बारे में ये बहुत सुंदर भजन, गौर से सुनिएगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अहमदाबाद में पता लगना चाहिए कि बाबा की भक्ति हो रही है, जरा दिल खोल के। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ रे, कोई कारण होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी का पूरा निचोड़ है। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ रे, कोई कारण होगा। श्यामा को जब सांप ने काटा था तो बाबा ने जहर उतारा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके नसीब में ये आशीर्वाद होते हैं। गौर से सुनिएगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल बन जान। चूटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ रे, कोई कारण होगा।
समझते रात दिन हम समझते हैं कि धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, मगर ऐसा नहीं। देखिएगा रात को कभी देर रात को आप निकलेंगे, देखेंगे कोई मजदूर है वो रेत के टीले पे सो जाता है, ऐसी नींद नहीं कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ ब्रिज बन रहा है, रात को देर से आप देखेंगे ब्रिज के ऊपर कहीं आदमी आराम से सो रहा है। देखिएगा गौर से सुनिएगा, धन का बिस्तर मिल जाए, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सो कर भी आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटने, कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा। ये भजन शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, अगर है तो जरा मेरे साथ एक बार दोहराएंगे प्लीज, गाएंगे प्लीज, रेडी। एक झोली जाती है पूरी आस, अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांट रे, कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा। पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा।
दिल से दीजिए। साईं बाबा की जय। ये हुई ना बात, बाबा की जय। पूरी भक्ति में डूब जाइए, तभी उसका मजा है। आप सब, मैं समझता हूं कि शिरडी गए होंगे। कोई ऐसे हैं जो नहीं गया है? हाथ ऊपर करेंगे, मुझे बताएं। अरे तो कब जाएंगे भाई? जो लोग शिरडी गए हैं उनको गोविंद भाई जिंदगी में ये अनुभव हुआ होगा कि अगर बाबा चाहते हैं आपको दर्शन देना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और अगर बाबा चाहते हैं कि आप इस वक्त ना आए का मतलब कोई नाराजगी नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि आप अपनी जगह पे रह के अपना फर्ज बजाएं। तो उसी के बारे में ये बहुत सुंदर भजन। और अहमदाबाद से तो शिरडी बहुत दूर है, मगर फिर भी लोग कैसे पहुंचते हैं। मेरे दो प्रोग्राम शिरडी में हुए अभी अगस्त में, और पता नहीं गोविंद भाई कैसे वहां पहुंच गए सब कुछ छोड़ के। तो ये गौर फरमाइएगा, ये जिंदगी का अनुभव है कि अगर बाबा चाहते हैं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और अगर वो नहीं चाहेंगे, आपका बुक किया हुआ टिकट भी कैंसिल हो जाएगा, कोई वजह हो जाएगी। तो उसी के बारे में ये बहुत सुंदर भजन है। आप अगर चाहें तो यहाँ आ भी सकते हैं, अगर बाबा की मस्ती आए तो। रोके ना हमें संसार, हमें साईं ने बुलाया है। रोके ना हमें संसार, हमें साईं ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें साईं ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें साईं ने बुलाया है। रोके न हमें संसार, हमें साईं ने बुलाया है। आपको स्पॉटलेस माइंड, साईं ने बुलाया है।
Come on, everyone. क्या हमें गम था गम क्या खुशी की खुशी क्या हमें गम था गम जब तक है गम में गम चलते जाएंगे हम अब क्या खुशी की खुशी क्या हमें गम था गम जब तक है गम में गम चलते जाएंगे हम अब दूर नहीं दरबार हमें साईं ने बुलाया है अब दूर नहीं दरबार हमें साईं ने बुलाया है अब कौन करे इनकार हमें साईं ने बुलाया है रोके न हमें संसार हमें साईं ने बुलाया लेके जाते हैं बारिश के मौसम में वो कैसे जाएंगे क्योंकि बाबा ने बुलाया और कैसे जाते हैं देखिएगा गौर से सुनिए चाहे गाड़ी रुके चाहे तूफान चले चाहे गाड़ी रुके चाहे तूफान चले चाहे बादल उड़े चमके बिजली भले चाहे तूफान चले चाहे बादल उड़े चमके बिजली भले बैठेंगे नहीं मत हार हमें साईं ने बुलाया है बैठेंगे नहीं मत हार हमें साईं ने बुलाया है अब कौन करे इनकार हमें साईं ने बुलाया से निकलते हैं तो कमाल ये है बाबा का प्यार ऐसा है कि ध्यान सिर्फ बाबा की तरफ होता है आसपास रास्ते में क्या हो रहा है वो बिल्कुल ही माने नहीं रखता बस ये लगता है कि कब पहुंच जाएं क्यों गोविंद भाई कब पहुंच जाएं और जल्दी से कैसे बाबा के दर्शन हो जाएं गौर से सुनिएगा और साईं ने बुलाया है आप जोर से कहिएगा ठीक है मन मंजिल की ओर है कठिन रास्ता मन मंजिल की ओर है कठिन रास्ता हमको साईं के सिवा किसे क्या वास्ता मन मंजिल की ओर है कठिन
कठिन रास्ता, माना मंजिल की ओर है कठिन रास्ता, हमको साईं के सिवा किसे क्या वास्ता। है बहुत बड़ा उपकार हमें साईं ने बुलाया है, है बहुत बड़ा उपकार हमें साईं ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें साईं ने बुलाया है। रोके न हमें संसार, हमें साईं ने बुलाया है, साईं ने बुलाया है, साईं ने बुलाया। जिंदगी में हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, वो सब कर्मों का जवाब यहीं पे देना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, बाबा ने भी यही कहा। सच्चरित में आपने कहीं पढ़ा होगा कि एक सज्जन बाहर से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, जब बाबा शरीर से थे, शिरडी में रहते थे। सुबह उनके वो बाबा के दर्शन करके गए, फिर रात को किसी ने आके बाबा को कहा कि बाबा, वो जो सुबह आपके दर्शन के लिए सज्जन आए थे, वो कहीं कुएं के पास ऊपर खड़े हो गए हैं, हमें डर लग रहा है कहीं वो कुएं में ना गिर जाए। तो बाबा तो आप जानते हैं, दौड़ के गए, हर वक्त हाजिर ही रहते थे किसी भी मुसीबत के लिए। जब गए वहां पे, तो वो सज्जन ने बाबा को देखा, नीचे उतर गए डर के मारे। बाबा ने बोला कि भाई, तुम यहां क्यों खड़े हो रात को अकेले में, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले, बाबा मैं बहुत थक गया हूं और मैं आप अपने जीवन को अंत कर देना चाहता हूं, मैं बस ये कुएं में गिर जाऊंगा, मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। बाबा ने बोला कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा गिरने में, मगर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। ये जो भी तुमको जिंदगी में इस वक्त भुगतना पड़ रहा है, वो सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इस कर्मों के फल को अगर तुमने इस जन्म में नहीं पूरा किया, तो ये मत समझना कि तुम छूट जाओगे। अगले जन्म में वो तुम्हारा पीछा करेंगे। उससे बेहतर है कि इसी जन्म में पूरे कर लो, सह लो किसी भी हालत में। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्म हम करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं कि तुरंत जवाब देते हैं, जैसे अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो वो सामने थप्पड़ मारेगा उसी वक्त। कुछ कर्म ऐसे हैं वो संचित होते हैं, जो जमा होते जाते हैं, आपको मालूम नहीं है, और वो एक दिन ऐसा आता है कि पूरे कर्म जब आपके ऊपर टूटते हैं तो आप सह नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे किए हैं उसका भी बदला मिलेगा। तो उसी के बारे में ये पंडित जी का बहुत सुंदर भजन आपके सामने है। और फिर
में खास बात यह है कि हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि अगर कर्मों का फल हमें भुगतना ही है तो हम फिर बाबा के पास क्यों जाएं? उसका भी जवाब है, गौर से सुनिएगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, एक एक लाइन और से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। फितरत है, फरियाद करते रहते हैं कि हमें किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। कभी सोचिएगा कि आपने भी कुछ किया है, और सबसे बड़ी बात, आप सबसे मैं बहुत खास बात कर रहा हूं। इसी दिन बाबा के मंदिर में जाके आप उनके दर्शन करते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार जाकर जब दर्शन करें, जाके बाबा का सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करें। आप देखिएगा, क्योंकि वो सब जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार जाके सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा कीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। उसी के बारे में ये लाइनें सुनिए। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब
प्रार्थना करता हूं। बहुत सुंदर ये भजन जिसमें राजदान साहब ने ये लिखा है कि आपकी जितनी चिंताएं हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितनी मुश्किलें हैं, जो भी अपने जीवन में आप कोई इस वक्त परेशान कर रही हैं, वो सब उसे सौंप दीजिए, फिर देखिए कि आपका जीवन कितना खूबसूरत बन जाता है। तो आप सब आदरणीय मेहमानों को, साई भक्तों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, जो मैंने किया है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी GST है, बाबा को सौंप दीजिए, उनको सौंप दीजिए, वो जो भी करना है हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये भजन गौर से सुनिएगा। चिंता से भरा दिल, चिंता
चिंता से भरा दिन साईं को दे दे, चिंता से भरा दिन साईं को दे दे, तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, साईं रहमत का हर फूल खिलेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। और से सुनिएगा, हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी में एक दिन पूरा एक मूड में नहीं जाता है। कभी सुबह कोई अच्छी खबर आई तो खुश हो गए, दोपहर को जीएसटी आ गया तो फिर परेशान हो गए, शाम को फिर कोई अच्छी खबर आई फिर खुश हो गए, तो पूरा दिन जो है वो अलग अलग मूड में जाता है। मगर ध्यान से सुनिए, कभी दिन उजियारा कभी रैन अंधेरी, कभी दिन उजियारा कभी रैन अंधेरी, कभी मन हरियाली कभी झोली खाली, वो सब कुछ जाने कब क्या देना है, जाने कब क्या देना है, हर पग पे करेगा तेरी रखवाली, तो पकड़ के रखियो, तो पकड़ के रखियो विश्वास की डोरी, तो पकड़ के रखियो विश्वास की चोरी, वो जहां मिला था फिर वही मिलेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। आहा, लगता है सभी हम किस्मत के धनी है, कहो ऐसी जगह से अब कौन हिलेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। हाँ,
भजन का निचोड़ है इस अंतरे में। गौर से सुनिएगा, बहुत सुंदर। हर वक्त जब बाबा की शरण में आते हैं तो मन में एक इच्छा रहती है कभी बाबा सामने आ जाए, और ये बात कब मुमकिन हो सकती है उसके बारे में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है एक दिन तुम्हें नींद आ जाए, हो सकता है एक दिन तुम्हें नींद आ जाए, तुम रोम रोम को जरा बोल के रखना, इस रात में साईं, इस रात में साईं, कब चुपके चुपके इस रात में साईं, कब चुपके चुपके अपने भक्तों से खुद आन मिलेगा, और एक बहुत सुंदर और भजन। ये विश्वास आपके मन में बैठ जाए उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो विश्वास आप मन में पैदा कीजिए, आप पूरी दुनिया जीत जाएंगे। बहुत सुंदर बात पंडित राजदान साहब ने लिखी है।
फिक्र क्या मेरे बाबा तो है जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा पंत के लिए एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। एक बहुत बड़ा भक्त था ईश्वर का, हर वक्त श्रद्धा उनकी बनी थी ईश्वर में। एक बार यूं हुआ, एक पुल क्रॉस कर रहा था, तूफान आया और पुल गिरने लगा, ब्रिज। उसने ईश्वर को याद किया, सलील भाई ईश्वर को याद किया, हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, इतना मैंने तुमको प्यार से चाहा है, आज तुम मुझे बचा लो। बस थोड़ा धीरे धीरे चलता गया पुल फिर से गिरने की तैयारी में। उसने कहा कि नहीं, उसका विश्वास डगमगा गया। उसने सोचा कि नहीं, ये तो सब जो मैंने किया था वो बेकार था, अब तो जो है जीऊं या मरूं ईश्वर उसने कुछ नहीं कर दिया। इस दुविधा में उसने पुल क्रॉस किया, आराम से क्रॉस कर गया। क्रॉस करके जब दूसरी तरफ गया, उसने देखा कि ईश्वर कंधे पे पुल उठा के खड़े थे। कभी अपने विश्वास को टकमगाने मत दीजिएगा। अगर आप सही माने में ईश्वर को मानते हैं, उसी के बारे में गौर से सुनिएगा। कभी सुख के दिन और कभी दुख की रातें, कभी सुख के दिन और कभी दुख की रातें, कभी सुख के दिन और कभी दुख की रातें, साईं तुम में विश्वास बढ़ता रहा है। कभी सुख के दिन और कभी दुख की रातें, साईं तुम में विश्वास बढ़ता रहा है। हर एक हाल में दिल रहा है तुम्हारा, मुझे
आदरणीय साईं भक्तों, आपसे गुजारिश है कि आंखें बंद करके बाबा का ध्यान कीजिए और हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी में हम जाने अनजाने में कई गलतियां कई गुनाह कर बैठते हैं। आज ये मौका है नए साल में बैठकर आंखें बंद करके बाबा का ध्यान कीजिए और बाबा से माफ़ी मांग लीजिए हमसे कोई गलती कोई गुनाह कोई हमने अपराध किया हो, आज के दिन हमें माफ़ कर दीजिए। हो सकता है बाबा बहुत दयालु है, अगर आपने दिल से प्रार्थना की तो वो प्रार्थना कबूल भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ बाबा की तरफ आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सा हिलचाल अगर बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना गुनाह मेरे एहसान भगवन, माफ करना माफ करना गुनाह मेरे एहसान भगवन, माफ करना। मैं जानता हूँ बहुत कठिन है किसी के अवगुण माफ करना, माफ करना गुनाह मेरे। Thank you.
करना गुनाह मेरे। बहुत सुंदर बात, इससे एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। ईश्वर को विचार आया कि आज के युग में इंसान क्या सोचता है, देखना चाहता हूँ। ईश्वर एक स्टेट के गवर्नर का रूप लेकर धरती पे आ गया। उन्होंने जेल में एक संदेश भेजा कि आज गवर्नर यहां जेल में कैदियों को मिलने आएंगे। तो जेलर सारे जो लोग थे उन्होंने सब कैदियों को तैयार किया, बिल्कुल तैयार बना के सामने बिठाया। ईश्वर आए गवर्नर के रूप में, सबने सम्मान किया, सलाम किए। ईश्वर ने बोला कि देखिए, मैं आज यहाँ पे आया हूँ आप सब कैदियों को ये सूचित करने के लिए कि आप आज जो भी मांगे मैं आपको देने के लिए आया हूँ। आप जो मांगना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जो चीज आप मांगना चाहते हैं आप मांगिए। कैदी तो खुश हो गए सब। एक कैदी खड़ा हुआ, उसने कहा कि साहब, यहाँ पे जेल की जो हमारी रूम्स है उसमें जो दीवारें हैं उसका कलर जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, तो उसको ज़रा ठीक करा दीजिए। ईश्वर मन में हंसने लगे, बोले तथास्तु। फिर एक कैदी खड़ा हुआ, कहने लगा साहब यहाँ खाना बहुत ख़राब मिलता है, तो हमको कुछ इंतज़ाम कीजिए कि खाना अच्छा मिले। फिर ईश्वर हंसने लगे, बोले ठीक है। एक कैदी खड़ा हुआ, कहने लगा साहब हमारे जेलर जो है वो बहुत ही कड़क है, उनको बोलिए जरा हमारे साथ नरमी से पेश आए। ईश्वर ने बोल दिया तथास्तु, निकले वहाँ से और मन में सोचने लगे कि हे इंसान, मैं तुझे दुनिया की जेल से मुक्ति दिलाने आया हूँ, तू जेल में ही रहना चाहता है। अगर ईश्वर सामने आ गए तो आप मांगेंगे कि मुझे मर्सिडीज दे दीजिए, क्या होगा फायदा, मुझे मेरी लॉटरी लग जाए। उससे तो ये मांगना है कि हे ईश्वर मुझे सम्मान के साथ मुक्ति दिला दो। तो ये बात ध्यान में रखिए। हमारी एक आस पूरी कर दो, इसी जन्म ही मैं मुक्त कर दो। मेरे बाबा साईं, तुम्हारा ही
थोड़ा भावुक हो जाते हैं इस भजन में, क्षमा चाहता हूँ। एक नानकड़ी फॉर्मेलिटीज है, हूँ लज्जा बहन ने विनती करीश, आदरणीय श्री गोविंद भाई ने विनती करीश के आप पधारशो। અને આજે આ સરસ મજાનું સાંજ આપણે સૌ સાથે મળીને ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે એમની દીકરી એક વિશેષ એક ગિફ્ટ છે એના પપ્પા માટે, દેટ વોઝ ધ સરપ્રાઇઝિંગ, સો એ અત્યારે આપવા માગે છે। હું ગોવિંદભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપ વધારો અને ખૂબ ઝડપથી આપણે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારો છે, તો પ્લીઝ બંને જણાને વિનંતી છે કે આપ મંચ પર વધારશો। શ્રીરામ ને પણ વિનંતી છે આપણે વધારશો।